वही आकांक्षा दुबे का डिमांड सबके तरफ से था, मैंने राजा तू तो जवान लड़का गाने के बाद मेरा 3 साल से कभी उनसे मेरी बात भी नहीं हुई है, और उनके घटना होने के बाद भी मैंने बहुत सारे कमेंट और लोगों का देखा कि उनके ऊपर गलत गलत वर्ड बोलना, वो उनके ऊपर गलत गलत तरह का इल्जाम लगाना, उनके विषय में, उनके नशा के विषय में पता नहीं क्या क्या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। जो आप लोग सपोर्ट चिल्ला रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग नहीं खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री पूरी बहरी और गूंगी है, ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी व्यक्ति बोल दे कि हमको ये घटना पता ही नहीं है आकांक्षा दुबे वाला। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ही सच है कि हम शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, हम ट्रेंडिंग हैं तो हम बेंडिंग हैं, तो हम बड़का हैं तो हम फलाना हैं, हम ठेकाना हैं, हम दुनिया हैं, हम ही भगवान हैं, और जब किसी का दुख है तो हम 0 बटा लड्डू हैं। हाँ, वो अपने 10-15 चमचा बना के रखे हैं कि भैया ने दीवार तोड़ दिया, भैया ने इतिहास रच दिया, भैया ने पंप उखाड़ दिया, भैया ने फलाना कर दिया, भैया ने ठिकाना कर दिया, और ओरिजिनल में भैया ने 0 बटा लड्डू किया। जब अपने आप से शीशा के सामने पूछेंगे आप, अगर जो भी बैठे बैठे बंद रूम में भगवान बनते हैं, आप ये नहीं किए, आप वो नहीं किए हैं, आप लोग सिर्फ दिखावा के लिए तो सब लिख सकते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी औकात नहीं है धूप में जाके मेहनत करना, और आपको ये भी नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाएंगे, इतनी हिम्मत है तो झंडा लेके खड़े हो जाइए आकांक्षा दुबे के लिए, हम मान जाएंगे कि आप लोग में पावर है।